खान के कैमियो पर क्या कहा, क्या सलमान का दबंग अंदाज नजर आएगा फिल्म सिंघम अगेन में। बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड में सिंघम अगेन का जमकर प्रमोशन हुआ। अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने वीकेंड के बार के दौरान शो के होस्ट सलमान खान के साथ मस्ती मजाक की, घर वालों के साथ टास्क किए और फिर सबसे बड़ी सवाल का जवाब दिया। रोहित ने रियलिटी शो के मंच पर खड़े होकर बताया कि सिंघम अगेन में सलमान का कैमियो होगा या नहीं। सलमान ने रोहित और अजय का स्वागत करते हुए कहा, अजय और रोहित आपका स्वागत है बिग बॉस में। रोहित बोले, और आपका स्वागत है हमारे कॉप यूनिवर्स में। इसके बाद सलमान ने रोहित और अजय के साथ थोड़ी बहुत मस्ती की और फिर रोहित ने कहा, टाइम ऐसे ही गुजर जाता है, अब सिंघम को ही देख लीजिए, 13 साल पहले हमने कॉप यूनिवर्स की शुरुआत की, यहाँ तक पहुँच जाएंगे कभी सोचा भी नहीं था। मजे की बात यह है कि दबंग और सिंघम एक ही समय पर आई थी और अब देखिए दोनों वर्ल्ड जुड़ने जा रहे हैं। और रोहित ने सलमान को याद दिलाया कि साल 2021 में जब वो कैटरीना के साथ सूर्यवंशी का प्रमोशन करने बिग बॉस के मंच पर आए थे, तभी उन्होंने उनसे वादा लिया था कि वो सिंघम अगेन में बतौर चुलबुल पांडे कैमियो करेंगे। रोहित बोले, तो ये कमाल हो गया, ये कमिटमेंट यहाँ पर शुरू हुई थी और यही पर ये हुआ कि हमने अनाउंस किया कि चुलबुल और सिंघम साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार दिवाली पर आपको सलमान का दबंग अंदाज फिल्म सिंघम अगेन में देखने को मिलने वाला है और ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। बात करें सलमान खान की, तो फिलहाल सलमान खान अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर काफी सुर्खियों में है। सिंघम के बाद वो सीधा बड़े पर्दे पर अपनी खुद की फिल्म सिकंदर में नजर आएंगे, जिसे डायरेक्ट AR मुर्गदास कर रहे हैं। और इस फिल्म में सलमान खान रश्मिका मंदाना के साथ भी नजर आएंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हो सलमान खान को सिंघम अगेन में देखने के लिए, कमेंट में जरूर बताइए।